कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को तंज भरी नसीहत दी। खेड़ा ने कहा, प्रधानमंत्री जी गजनी मत बनिए, मशरूम खाना छोड़कर अब बादाम खाना शुरू कीजिए ताकि आपको याद रहे वो नारे जो आप खुद लगाते थे, जैसे बहुत हुई डॉलर की मार अब की बार किसकी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार किसकी सरकार। पवन खेड़ा के इस बयान से एक बार फिर सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को अपने पुराने वादों और नारों की याद दिलाने का वक्त आ गया है? क्या जनता को सच में वो बदलाव मिला है जिसकी उम्मीद थी? पवन खेड़ा के इस वीडियो पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कुछ उनके तंज को सही मान रहे हैं तो कुछ इसे महज राजनीतिक आरोप बता रहे हैं। अब देखना यह है कि इस बयान के बाद क्या कोई जवाब आता है, देश की राजनीति में ऐसी बयानबाजी कब तक चलेगी और क्या इससे सच में कुछ बदलेगा? आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सुनते हैं क्या कहा पवन खेड़ा ने। प्रधानमंत्री जी, प्रचार मंत्री जी, जो भी आप कहना चाहें, फिर से चुनाव मोड में आ गए। त्योहार के दिन लोगों को त्योहार की बधाई देने की स्थान पर लगे ट्वीट करने, और ट्वीट भी ऐसे कि उनके ट्रोल्स भी शर्मा जाए। एक ट्वीट तो डिलीट करना पड़ा देश के प्रधानमंत्री को, 11वें साल का प्रधानमंत्री, सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री, फैक्ट चेक में कहीं फंस न जाए, ट्वीट को डिलीट किया। हमारे तमाम मुख्यमंत्रियों, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष सब ने जब उनको करारा जवाब दिया, उनके झूठ को बेनकाब कर दिया, तो उनको ट्वीट तक डिलीट करना पड़ गया। ये इस देश के प्रधानमंत्री की हालत। प्रधानमंत्री जी, हमारी गारंटियां हमें याद है, 52,000 करोड़ रुपए खर्च करके 5 में से 5 गारंटी कर्नाटक सरकार ने लागू कर दी। हिमाचल सरकार ने 10 में से 5 गारंटियां, जिसमें ओपीएस शामिल है, लागू कर दी। तेलंगाना सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड अभी आपको भेज रही है, रट लीजिएगा ताकि आइंदा कोई गलती ना कर दे। हमें अपने वादे याद हैं, हमें अपनी गारंटी याद है, और आपको बड़ा घबराना चाहिए इस बात से कि हमें आपके वादे भी याद हैं। आप भूल गए, आप तो गजनी बन जाते हैं अपने। कहां है 100 स्मार्ट सिटीज? क्या हुआ गंगा मैया का? क्या हुआ महिला सुरक्षा का? क्या हुआ पेट्रोल डीजल का? क्या हुआ रुपए डॉलर का? जवाब दीजिए। मशरूम खाना छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री जी, थोड़ा बादाम खाइए, याद आ जाएगा अपने वादे। आजकल क्या स्थिति है आपको पता है प्रधानमंत्री जी? जब पति पत्नी लड़ते हैं ना, तो पत्नी कहती है चलो मोदी कहेंगे। ये स्थिति हो गई आपकी। अब बच्चे कॉमिक्स नहीं पढ़ते, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ते। बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार किसकी सरकार? बहुत हुई रुपए पर डॉलर की मार, क्या हुआ अब की बार किसकी सरकार? आप जब मुंह खोलते हैं, आप जब ट्वीट करते हैं, तो लोग अब यूं शुरू कर देते हैं, लपेटना शुरू कर देते हैं। आप फेंको, लोग लपेटते हैं। ये इस देश के प्रधानमंत्री की हालत आपने बना दी। मर्यादा थी इस पद की, प्रतिष्ठा है इस पद, इस पद का हम सब पूरा विश्व सम्मान करता, लेकिन पता नहीं अब कब तक कर पाएगा। अरे आप, हम तो सोचते थे अपने ट्रोल्स के लीडर हैं, आपके ट्वीट्स देखकर तो ऐसा लगता है आप अपने ट्रोल्स के फॉलोअर हैं, आपके ट्रोल्स आपसे बेहतर ट्वीट कर लेते हैं, आपको तो डिलीट करना पड़ गया। प्रधानमंत्री जी, चौराहों की आप बात करते थे कि मैं जिस चौराहे पे जो चाहे सजा दे देना, चले मत जाइएगा चौराहों पर, वहां जाएंगे तो आपको गाना सुनाई देगा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। इस देश को अब आपकी जुबान पर कोई भरोसा नहीं रह गया। कितने ही वक्त आप प्रधानमंत्री के पद पर रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता, इकबाल खत्म हो चुका है, अब वो इकबाल वापस लौट के नहीं आ सकता। जय हिंद, जय कांग्रेस। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।